गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भाजपा के दिग्गज नेता एवं 6 बार के विधायक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बता दें, गुजरात चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं और पार्टियों में बगावत भी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में गुजरात चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बता दें, बगोड़िया विधानसभा सीट से 6 बार के विधायक रहे भाजपा के बड़े नेता मधु श्रीवास्तव ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा से इस्तीफा देने वाले 6 बार के विधायक मधु श्रीवास्तव की छवि एक दबंग और बाहुबली नेता की भी है। मधु श्रीवास्तव ने बड़ौदा वर्कर्स कन्वेंशन में अपने इस्तीफे की घोषणा की है। बता दे, भाजपा ने इस बार मधु श्रीवास्तव को टिकट नहीं दिया है, जिसके कारण वे नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बताया कि मधु श्रीवास्तव अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। बता दे, भाजपा नेता मधु श्रीवास्तव के अलावा बीजेपी के 4 पूर्व विधायकों ने भी बगावती रुख अपनाया है। इन नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है। बता दें, अब गुजरात में बागी नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर दर्द बनते जा रहे हैं। श्रीवास्तव के पहले जो 4 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया, उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी दी है। बता दें, इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर दर्शन देशमुख को मैदान में उतारा है। इस घोषणा से नाखुश हर्षद वसवा ने बीजेपी में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और शुक्रवार को नंदोर सीट के लिए अपना नामांकन पत्र भी दाखिल किया। वसावा ने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कहा कि यहाँ असली भाजपा और नकली भाजपा है। हम उन लोगों को बेनकाब करेंगे जिन्होंने प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया है और नए लोगों को महत्वपूर्ण पद दे दिया है। मैंने अपना इस्तीफा पार्टी को भेज दिया है। अब माना जा रहा है कि इन 5 विधायकों के बागी रुख अपनाने से और इस्तीफा देने से कहीं न कहीं गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इन बागी विधायकों का अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा खासा दबदबा भी बताया जा रहा है और इनके निर्दलीय चुनाव लड़ने से कहीं न कहीं वोट का बंटवारा हो सकता है। बता दें, गुजरात में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को होगी और दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी और 8 दिसंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। इसी के साथ ही हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आएंगे। बता दें कि हिमाचल विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। 12 नवंबर को ही सभी 68 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी। हालांकि अभी तक किसी चैनल ने हिमाचल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल नहीं किए हैं, जिससे कि अब पता लग सके कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलने की संभावना है।